जब आपके प्लेट में है जी, किसी का ब्लड जी, किसी की स्किन जी, और वो भी तब जब उसको मारा जा रहा था, जब किसी भी पशु को मारा जाता है तो उस समय उसके मन में क्या होता है? डर, डर, बहुत सारा स्ट्रेस जी, भागता है, इधर उधर चीखता है, तो वो जो उसके उस समय के जो इमोशंस हैं वो अभी आपके प्लेट्स में सामने हैं, और जब आप उसको खाओगे तो ऑटोमेटिकली आप भी अग्रेसिव बनोगे, क्योंकि आप वो खा रहे हो जिस समय उसको डर भय था, आपने उसको अपना आहार बनाया, उसको खा के आप अपने, और कई लोग तो बोलते हैं कि जो लोग मांस ये सब नहीं खाते उनको प्रोटीन नहीं मिलता जी, हाँ ये जिम जाने वाले लोगों के लिए प्रोटीन का सोर्स है जी। इतना बड़ा मिथ मतलब लोगों में घोल के पिलाना समाज में, प्रोटीन के इतने सारे सोर्सेस हैं, और प्रोटीन पाके आप कर भी लोग क्या कर लोगे किसी को मार करके, मान लीजिए किसी को मार के आपने थोड़ी बल स्ट्रेंथ ले भी ली जी, जी, तो वो बल आपके लिए हानिकारक ही होगा, मतलब उससे आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होना, लॉस ही लॉस है। आप किसी भी पशु को जब मारते हैं, इवन हमको एक छोटी सी कोई इंजेक्शन लग जाए तो आदमी इतना बड़ा शरीर होते हुए भी उसको 10 बार दिखाता है सबको कि हमको यहाँ लग गई, हमको ऐसा हो गया वैसा। एक पशु को जब मारा जाता है उसके साथ कितना बुरा बदसलूकी की जाती है। अगर आप किसी स्लॉटर हाउस में देख लोगे कि पशुओं के साथ क्या हो रहा है। मैं गायों से बहुत प्रेम करती हूँ, तो गायों को जब मारा जाता है उनके ऊपर 120 से 150 डिग्री तक का गर्म पानी डाला जाता है ताकि उनकी स्किन अलग यूज आ जाए, खाना अलग यूज आ जाए। मतलब इंसान जो है वो इंसानियत भूल चुका है। मतलब दैत्य के कहते हैं ना राक्षस, राक्षस कोई सींग वाले नहीं होते। मुझे लगता है जो जीवन में मांसाहार खाता है, पशुओं को मार के खाता है, वो इस समाज का दैत्य ही है। वो खुद आज नहीं समझ रहा है, आज तो उसको लगता है बड़ा इंजॉय कर रहा हूं मैं।